हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो तुम? आई होप तुम अच्छे होगे और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होगे। एग्जामिनेशन बहुत सारे लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। एंड बहुत सारे लोग जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं उनके पेपर को लेकर के, कि पेपर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का, लगभग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के पेपर ऑलरेडी अप्रैल एंड मई में बन चुके थे, अप्रैल से पहले ही, मार्च एंड अप्रैल में बन चुके थे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ पेपर। एंड वो पेपर तैयार किए गए थे आपके 3 घंटे को लेकर के, कि आपके 3 घंटे टाइम दिया जाएगा आपको, जैसे एग्जाम पहले हुआ करते थे उसी के आधार पर अप्रैल के लिए आपके पेपर तैयार किए गए थे। बट ड्यू टू कोविड-19 एग्जाम्स को क्या किया गया, रिशेड्यूल्ड किया गया, एग्जाम को हटाया गया, स्थगित किया गया, कई लोगों को प्रमोट किया गया, फर्स्ट ईयर वालों को सेकंड ईयर थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन लेने की बात की गई है। तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि पेपर ऑलरेडी बन चुके थे। तो यूनिवर्सिटीज ने कहा कि जिन यूनिवर्सिटीज के पेपर बन चुके हैं उनको वही पेपर दिया जाएगा, जो पहले पेपर 3 घंटे वाला बनता था वही पेपर उनको दिया जा रहा है आज 1.5 घंटे के एग्जामिनेशन में भी, जिसको लेकर के बच्चों में कंफ्यूजन है। कई सारे लोगों ने मेरे से कमेंट करके बताया कि मतलब उनको जो भी एग्जाम सेंटर पर वो जा रहे हैं उनको कुछ बताया नहीं जाता कि एग्जाम सेंटर में उनको किस तरह से लिखना है, कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, क्योंकि पेपर 3 घंटे के हिसाब से तैयार किया गया है। उसमें जो नोट्स दिए हुए हैं वो 3 घंटे के हिसाब से दिए गए हैं। उसमें मेन रोल हो जाता है वहाँ जो एग्जामिनर या जो भी उसमें गाइड करने के लिए आपके क्लास में है उसको बताना कि बच्चे को क्या क्या चीज़ें करनी है। और वैसे भी आप इतने बड़े हो चुके हो ऑलरेडी, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आपके पास मोबाइल है, आप यूट्यूब पर देख रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, न्यूज़ देख रहे हो, तो आपको ये समझ होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है वो टीचर मान ले कि ये बच्चे बड़े हो गए हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, तो इनको पता होगा कि किस तरह से उनको पेपर लिखना है। बट इन दैट केस कि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं मुझे कि नहीं पता है, आप बताओ। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि कितने क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आपको हल करने हैं। बट ये स्पेसिफिक वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि अगर आपके एग्जाम में 3 घंटे वाला पेपर आपको दिया जा रहा है एंड यू हैव द टाइम फॉर 1.5 आवर, यानी कि 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया गया है, तो आप किस तरह से एग्जामिनेशन में लिखने वाले हो। देखो, सबसे पहली बात करते हैं, अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव मीन्स जिसमें ऑप्टिकल आपके वैकल्पिक जिसको कह सकते हो विकल्प वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप DDU की बात करोगे, कुछ और एक दो यूनिवर्सिटीज तो और में जिन्होंने कहा है कि हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव ही होगा, यानी कि अगर हम सोशियोलॉजी ले रहे हैं एंड इफ यू आर इन थर्ड ईयर तो आपके पास फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर होता है, जिसमें फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव होता था एंड दोनों पेपर आपके सब्जेक्टिव होते थे, लिखित होते थे, लेकिन उन्होंने कहा हम तीनों ही ऑब्जेक्टिव लेने वाले हैं। ओके, एंड जो जिनका फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव होता था उनके भी अगर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको 100 क्वेश्चंस का अगर पेपर दिया गया है तो उस 100 क्वेश्चंस में से आपको केवल 50 क्वेश्चन करने हैं, आधा टाइम आपको आधा दिया गया है, तो 50 क्वेश्चन करने हैं। आप क्वेश्चन उठता है 100 क्वेश्चन दिया कि कौन से 50 क्वेश्चन हमें करने हैं, तो आपको शुरू से लेकर के यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक ही करना है, क्योंकि वही आपका चेक होने वाला है। अगर आपने कुछ क्वेश्चन 1, 2, 3 किया, फिर आपने 6 किया, फिर 10 किया, फिर 12, फिर 72, 62, 98, इस तरह से अगर आपने देख रखे कि क्या क्वेश्चन आपको आ रहा है और आपने उस क्वेश्चन का जवाब दे दिया, तो अगर आपने 50 नंबर क्वेश्चन से बाहर वाला कुछ किया हुआ है तो आपकी कॉपी चेक नहीं, मतलब उसका आपको नंबर नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन आपने 0 से लेकर के यानी फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के 50 क्वेश्चन तक किया हुआ है आपको उसी का नंबर मिलने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव का यही रूल है, 0 से लेकर के यानी फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के 50 क्वेश्चन ही आपको करके आना है अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है एंड आपके जो क्लास वाले गार्डी जिनका लगा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया हुआ है आपको, तो 1 से 50 तक करके आ जाओ। ओके, और लिखित में किस तरह से आपको पेपर 3 घंटे वाले मिलते हैं और कितने क्वेश्चन आपको किस तरह से करना है, आओ मैं आपको पेपर के साथ दिखाता हूं। ओके, चलो देखते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ये कुछ पेपर्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं तीनों पेपर मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपके लिखित हैं तो किस तरह से करेंगे। जैसे कि आपके सामने ये इकोनॉमिक्स रहा, यहाँ ये सेकंड पेपर आपको दिख रहा है इकोनॉमिक्स का, ये थर्ड ईयर के इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर है, आप देख सकते हो 2021 का ये पेपर होने वाला है। अब इस पेपर में देखो क्या नोट्स दिया हुआ है, 3 घंटे का ये पेपर आपको दिया गया, मैक्सिमम 100 मार्क्स, यानी कि पुराना पेपर ही है जैसा कि आपका हुआ करता था। ओके, अब देखो कह रहा है अटेंड 5 क्वेश्चन इन ऑल, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी एंड 200 वर्ड्स में आपको लिखना है, एंड सेकंड है थर्ड नंबर कि एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए आपको दिया हुआ, उसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं, एंड सेक्शन बी दिया हुआ है जिसमें 500 वर्ड्स में आपको लिखना है, एंड सेक्शन बी से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो ये आपका पूरा 3 घंटे का सिलेबस हो गया। अब इस 3 घंटे के सिलेबस में आपको क्या करना है, आप 1.5 घंटे का आपका हो गया है, इसमें भी जो क्वेश्चन आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहने वाला है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 को आप नहीं छोड़ सकते हैं। एंड चेंज क्या हुआ है देखो ध्यान से थोड़ा सा, तो जो ये आपके सामने दिख रहे हैं ना 2, 2,
आप देखो ये दो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहां से करना है, दो क्वेश्चन यहां से करना है, दो के जगह पर आपको एक एक क्वेश्चन कर देना है, बस इतना सा चेंज हुआ आपके पेपर में। अगर आपको नहीं बताया जा रहा है तो इतना चीज ध्यान देना कि एक नंबर तो कंपलसरी रहने वाला ही है, एंड सेकंड सेक्शन ए और सेक्शन बी से ये दो दो के जगह पर आपको एक एक क्वेश्चन करना है, यानी कि आल कितना 5 नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही आपको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ देखो आप ये देख सकते हो क्या है, बीए के हिंदी है, बीए पार्ट 3 2021 का हिंदी का सेकंड पेपर है। इसमें भी दिया हुआ क्या, कुल 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 3 आवर्स वाला पेपर है, 500 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसमें से खंड आ और बा से दो दो क्वेश्चंस का उत्तर देना है। तो दो दो के जगह पर आपको क्या कर देना है, एक एक कर देना है। अखंड सा में एक क्वेश्चन है तो इसको तो करना ही करना है, तो दो दो के जगह पर एक एक कर देना है इस तरह से। ऐसे आपको यहां मैं दिखा दे रहा हूं, ये नेक्स्ट पेपर ये है आपके बीए पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन 2021 का एंशियंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड कल्चर, यानी कि हिस्ट्री का आपका पेपर है, पेपर सेकंड एंशियंट हिस्ट्री एंड सोसाइटी पेपर। आप देख सकते हो 3 घंटे का पेपर है, एंड यहां आप देखो अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, एंड 1.5 घंटे में आप दो रहे तो भी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। एंड कह रहा है एंसर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ईच, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी से दो दो क्वेश्चन आपको करने हैं। तो बस चेंज क्या करना है, इस दो के जगह पर आपको क्या कर देना है, एक क्वेश्चन करना है, दो के जगह पर क्या करना है, एक क्वेश्चन करना है सेक्शन ए से, एक क्वेश्चन करना है सेक्शन बी से, टोटल 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इस तरह से आपका जो लिखित पेपर होने वाला है इस तरह से आपको करना है, इस तरह से मैंने आपको समझा दिया। एंड ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चन तक करना है, आई हैव ऑलरेडी टेल यू, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो ओके, आई होप समझ पा रहे होंगे आप, चीज़ों को समझ गए होंगे अच्छे से कि कैसे कैसे करना है। ओके, अगर आपके जो एग्जामिनर है या आपके जो बैच में हैं वो लोग नहीं बता रहे हैं तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, आई एम हेयर फॉर यू, मैं आपके हेल्प के लिए हूँ। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस तरह से आप कमेंट करो, मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू। तो इस तरह से आपके पेपर आने वाले हैं, इस तरह से 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं लिखित में। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, वीडियो को शेयर करो और भी लोगों तक पहुंचाओ जिन लोगों को इसकी जरूरत है, जिन्हें नहीं पता एग्जामिनेशन में वो डाउट करके आ रहे हैं, कुछ लोग अपना रोल नंबर गलत लिख करके आ रहे हैं, कुछ लोग क्वेश्चन ही छोड़ दे रहे हैं, कुछ लोग पूरे क्वेश्चन करने में लग जाते हैं, 3 घंटे वाला पेपर पूरा हम 1.5 घंटे में कर ले जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो लोगों के साथ शेयर करो ताकि लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो सके और वो अपने एग्जाम में बेस्ट करके आए और बेस्ट मार्क लेके आए। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।